हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसबीआई कलर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तीन स्टेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम एंड टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज। प्रीलिम्स एग्जाम्स का सिलेबस क्या रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसमें मेनली तीन सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 35 मिनट्स होंगे, 35 मार्क्स होंगे और 20 मिनट होंगे क्वेश्चन। और तीसरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, उसके लिए भी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। बायलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश, जिस भाषा में आप सेलेक्ट करना चाहो, लेकिन अगर हिंदी में सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही आएगी, वो आपकी लोकल लैंग्वेज में नहीं आएगी। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कट ऑफ सेक्शनल रहेगी, इंग्लिश की अलग कट ऑफ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की अलग कट ऑफ, रीजनिंग की अलग कट ऑफ। प्री डिसाइड नहीं होती है, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करती है। और 10 गुना लड़के इसमें सेलेक्ट होते हैं, जैसे 8300 पोस्ट है तो 83,000 बच्चे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। इसके बाद में उनका मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में और जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स होंगे वो 100 रहेंगे और टोटल टाइम रहेगा वो 1 घंटे का या 60 मिनट का रहेगा। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस रह जाता, शॉर्ट टाइम मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। तो इस तरीके से प्रीलिम्स का सिलेबस ये है। हेलो फ्रेंड्स, मेंस के लिए जो पैटर्न रहेगा उसके लिए 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 35 मिनट। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200, टोटल टाइम 2 आवर 40 मिनट्स। लोकल लैंग्वेज टेस्ट, इफ़ यू स्टडीड लोकल लैंग्वेज एट 10th लेवल, अगर आपने लोकल लैंग्वेज को 10वीं में पढ़ा है तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा। एक राजस्थान से कोई कैंडिडेट है और वो गुजरात से फॉर्म डालता है तो उसको गुजराती का लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में गुजराती नहीं पढ़ाई जाती। फाइनल सिलेक्शन, मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जाम। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ मेंस के एग्जाम के मार्क्स के आधार पर होगा, प्रीलिम्स के एग्जाम मार्क्स उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। प्रीलिम्स सिर्फ टेस्ट है, आपको उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे मेंस में। और जो टोटल क्वेश्चंस की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, रीजनिंग की अलग, जनरल मैथ्स की, इंग्लिश की अलग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अलग, सबकी कट ऑफ अलग अलग क्लियर आपको करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी हर 4 क्वेश्चन गलत 1 सही इक्वल माने जाए, 1 गलत हो जाएंगे। और लोकल लैंग्वेज टेस्ट निश्चित रूप से सिर्फ उनका होगा जिन्होंने 10वीं में वो नहीं पढ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।